ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकते। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकते। मैं आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा स्थित हो जाना है। मन बुद्धि ज्ञान से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, नॉलेज की लाइट और माइट का अनुभव। नॉलेज की लाइट रोशनी प्रकाश मन बुद्धि संस्कार में फैल रहा है। मैं आत्मा प्रकाश से भरपूर, रोशनी से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। नॉलेज की लाइट रोशनी चारों ओर, इस रोशनी में सारे पुराने संकल्प समाप्त हो रहे हैं। देह देह की दुनिया के संकल्प समाप्त हो रहे हैं। व्यर्थ खत्म होता जा रहा है। नॉलेज की लाइट, इस लाइट में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, इसलिए मन भी लाइट, हल्का, बिल्कुल हल्का। मैं आत्मा नॉलेज की लाइट से भरपूर, क्योंकि लाइट से भरपूर हूं इसलिए कोई अंधकार नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई रॉन्ग संकल्प नहीं। सारा अंधकार समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा प्रकाश से भरपूर, नॉलेज की लाइट का अनुभव कर रहे हैं और इसलिए माइट का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यर्थ संकल्प नहीं इसलिए हर संकल्प समर्थ है, माइट का अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा नॉलेज की लाइट से भरपूर, माइट से भरपूर, हर संकल्प समर्थ है। मैं आत्मा संपन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार आत्मा, और इसलिए कभी भी रॉन्ग संकल्प, रॉन्ग कर्म व रॉन्ग स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकते। अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। मैं ज्ञानी तो आत्मा नॉलेज की लाइट और माइट से संपन्न, प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी चारों ओर, और इसलिए कोई अंधकार नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, हर संकल्प समर्थ। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा। ओम शांति।